नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 इसका बच्चों आज हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम मान लेते हैं, मान लो पहली संख्या बराबर है x के। अब देखो, यदि इनका योग 27 है तो हम मानते हैं दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। ये कैसे आया बच्चों? मैं कहता हूँ दो संख्याएं हैं जिनका सम है 10, एक है 3, तो दूसरी कितनी होगी? 10 माइनस 3। ऐसे ही एक संख्या है x, योग यानी दोनों को प्लस करके आता है 27, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 में से x माइनस कर दो तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। इसीलिए पहली संख्या को माना x, दूसरी को माना 27 माइनस x। प्रश्न के हिसाब से इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है 182। दोनों संख्याएं यानी ये और ये, इसका मतलब x गुना 27 माइनस x ये बराबर होगा 182 के। आइए अब हम इसे हल करते हैं। हम जानते हैं कि जब जैसे ये x इस पूरी ब्रैकेट से गुना हो रहा है, इसका मतलब ये पहले इससे गुना होगा और उसके बाद इससे गुना होगा, है ना बच्चों? तो आइए हम करके देखें। x जब 27 से गुना होगा तो ये बन जाएगा 27x माइनस x, जब x से गुना होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। इसी प्रकार से ये 182 बराबर से उधर है, जब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 182। इसके साथ कोई निशान नहीं था यानी प्लस था, जब यह बराबर से उधर गया तो ये माइनस हो गया, माइनस 182 बराबर 0। ये समझ आया बच्चों? एक्स को 27 से गुना किया तो 27x माइनस माइनस एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वेयर 182। यहाँ बराबर के उधर था, इसको बराबर के इधर लाए तो इसका निशान बदल गया, ये यहाँ प्लस था इधर आके माइनस हो गया, बराबर के आगे कुछ नहीं बचा तो 0। अब हमें पता है कि जब हम द्विघात समीकरण बनाता है तो उसमें एक्स स्क्वेयर वाली जो रकम है वो प्लस की होती है, लेकिन यहाँ माइनस की आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में से -1 को कॉमन ले लेते हैं। और दूसरा काम क्या करेंगे, चलो अभी यही करते हैं। -1 कॉमन लेते ही 27x प्लस का था, अब ये उल्टा हो जाएगा, इसका साइन बन जाएगा -27x क्योंकि इसमें से -1 कॉमन ले लिया। -x² था, अब ये बन गया x², और ये -182 है, अब ये बन गया +182 बराबर 0। ये -1 यहाँ गुना हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो 0 से भाग हो जाएगा, और 0 से -1 को भाग करके आ गया 0। अब ये जो शेष बचा, इसमें से मैं x², सबसे x की सबसे बड़ी पावर है x², इसको सबसे पहले लिखूंगा क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद है -27x और उसके बाद है +182। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गई है, हमने इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। यदि हम जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए, यहां एक्स स्क्वेयर के साथ यदि कुछ भी नहीं है तो कितना है? 1 है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर के साथ वाली रकम को गुना करते हैं बिना एक्स वाली रकम के साथ, तो ये 1 × 182, तो ये हमारे पास आ गया है 182 प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया है 182। अब हमें 182 के फैक्टर निकालने हैं। 182 बच्चों होता है, एक के पहाड़े में तो आएगा 182 एकम 182, दो के पहाड़े में आएगा 2 × 9 = 18 और 2 × 1 = 2, तो 2 × 91 होता है 182। उसके बाद तीन के पहाड़ में नहीं आता, क्यों नहीं आता, मैं कैसे देख पा रहा हूँ कि नहीं आता, मैं इन तीनों, तीन का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, विभाज्यता नियम क्या है, तीनों को प्लस करके देखो जो आंसर है वो तीन के पहाड़ में आता है नहीं। देखो 8 × 1 = 9 और 2 = 11, 11 तीन के पहाड़ में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी तीन के पहाड़ में नहीं आएगा। इसके बाद 4 के पहाड़ में भी ये नहीं आता है, 5 के पहाड़ में भी नहीं आता है, 6 के पहाड़ में भी नहीं आएगा क्योंकि 3 के पहाड़ में नहीं आता। अब 7 के पहाड़ में आ जाएगा, 13 × 7 = 91 होता है, तो ये होगा 7 × 26 = 182।
ठीक है बच्चों। और उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 के पहाड़े में आएगा 13 × 14 182। इसके अलावा और किसी भी पहाड़े में 182 नहीं आता। मुझे थोड़े से पहाड़ों का ज्ञान था, इसलिए मैंने समय बचाकर ये आपको पहाड़े बता दिए हैं जिनके पहाड़ों में 182 आता है। अब क्या रूल है, इनमें से हमें वो जोड़ा उठाना है जिसको प्लस या माइनस करके 27 आता हो। 182 को 1 से प्लस करके आएगा 183, माइनस करके आएगा 181। ये नहीं चाहिए, 91 में 2 प्लस करके आएगा 93, 91 में से 2 माइनस करके आएगा 89। ये भी नहीं चाहिए हमें, तो 21, 27 चाहिए। 26 में 7 प्लस किया तो 33, 26 में से 7 माइनस किया तो 21, ये भी हमें नहीं चाहिए। 13 में 14 प्लस किया तो 27 आ गया ना, इसका मतलब हमें ये वाला जोड़ा चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये है 1x² प्लस 182 बराबर 0। याद है ना आपको, पहली रकम ऐसे लिख ली, आखिरी रकम ऐसे लिख ली, बीच वाली रकम की जगह क्या करेंगे, जो जोड़ा लिया है उनके साथ एक्स लगा के लिख देंगे, 13x और 14x। ठीक है बच्चों, अब इनके साथ रह गए निशान लगाने। निशान लगाने के लिए वापस यहाँ आ जाओ। ये कौन सा निशान है यहाँ इसके साथ, प्लस। यदि प्लस है इसका मतलब इनका साइन एक जैसा होगा। कौन सा साइन होगा, माइनस या प्लस, वो यहाँ से देखो, 27 के साथ माइनस का निशान है, इसका मतलब इनके साथ भी माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, इनको कॉमन लेंगे। पहली दो रकमों में से देखो, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन। 1x² में से एक्स बाहर चला गया, बाकी बच गया एक्स। 13x में से एक्स बाहर चला गया, बाकी बच गया 13। यह है -14x प्लस 182, इनमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। और 14 और 182, 182 में भी 14 है, 14 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इन दोनों में से 14 कॉमन आएगा। -14x में से -14 कॉमन, बाकी बच गया x। और प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया माइनस। 182 को 14 से भाग कर दे तो बाकी बच गया 13 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं, ये भी है एक्स माइनस 13, ये भी है एक्स माइनस 13, इसका मतलब एक्स माइनस 13 कॉमन। यहां से एक्स माइनस 13 बाहर, बाकी बच गया एक्स। यहां से एक्स माइनस 13 बच गया कॉमन, बाकी बच गया -14 बराबर 0। इसका मतलब एक्स माइनस 13 या तो 0 के बराबर होगा या एक्स माइनस 14 0 के बराबर होगा। इसका मतलब या तो एक्स 13 के बराबर है या एक्स 14 के बराबर है। अब यहां पर दो केस बन गए, अब यहां पर दो अलग अलग केस बन गए। देखिए, यदि एक्स 13 है तो पहली संख्या ऊपर, एक बार फिर से देखते हैं, पहली संख्या कितनी है, एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स कितना आया, 13। हमने अभी एक्स 13 लिया है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या थी 27 माइनस एक्स, माइनस एक्स यानी कि 27 में से एक्स कितना लिया है हमने, 13। 27 में से 13 माइनस कर दो तो 14। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एक्स की वैल्यू 13 लेंगे तो हमारे पास पहली संख्या आएगी 13, दूसरी संख्या आएगी 14। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी हमने सिर्फ एक्स 13 लिया है, अब हम एक्स ले रहे हैं 14। तो पहली संख्या, बराबर पहली संख्या किसके बराबर है, एक्स। एक्स अब कितना लिया है, 14। इसी प्रकार से दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, तो दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस एक्स अभी कितना लिया है, 14। 27 में से 14 निकाल दिए तो होता है 13। इससे हमें यह पता चलता है बच्चों, पहली संख्या 14 और दूसरी 13। यदि हम एक्स 13 लेंगे तो भी संख्याएं आ रही हैं 13 और 14। यदि हम एक्स 14 लेंगे तो भी संख्याएं आ रही हैं 13 और 14। ठीक है, हमें क्या कहा गया था, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं, 13 और 14 हैं। तो आप चाहें तो आखिर में एक लाइन लिख सकते हैं, दो संख्याएं हैं 13 और 14, यही हमें चाहिए था।
ये तो पूर्ण विराम लगाया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा उत्तर था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। बच्चों किसी भी पॉइंट पर यदि आपको ये क्वेश्चन ये वीडियो ना समझ आए तो वीडियो को पीछे जाकर दोबारा देखिए और दोबारा एक बार समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दो संख्याएं निकालनी थी, वो दो संख्याएं हमने निकाल दी है। यदि आपको ये वीडियो समझ आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमें और ज्यादा मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद बच्चों।